जी दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे चैनल आशीष आयुर्वेदिक सेंटर पर। दोस्तों आज एक बहुत बढ़िया शीघ्र पतन, जिसको सूरत इंजाल बोलते हैं, मर्दाना टाइमिंग कम हो जाना, उसके लिए एक नुस्खा, बहुत ही बेशकीमती नुस्खा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, बेधड़क होकर इसको बनाएं और इसका रिजल्ट लें। और तमाम जितनी आपकी टाइमिंग की प्रॉब्लम है, जहाँ पे कोई भी दवाई काम नहीं कर रही, तो इसको इस्तेमाल ज़रूर करें, इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों आज आप जैसे देख रहे हैं कि आज का जो हमारा नुस्खा है या कुश्ता है, वो शिंगरफ का है। बढ़िया रूमी शिंगरफ आपको लेनी है, जैसे बढ़िया आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, इस तरह की शिंगरफ आपको लेनी है, कम से कम 10 ग्राम, और उसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं आपको, जो एक पीस ही रख लें। अब आपने क्या करना है कि 4-5 जो दतूरे के फल होते हैं, सफ़ेद दतूरा या काला दतूरा कोई भी मिल जाए, उसके फलों को काट कर उसमें से आधे जो उसके अंदर बीज होते हैं, एक तरफ के बीज निकाल दें और वहाँ पे आप अपनी शिंगरफ रखें और उसके ऊपर बीज दोबारा देकर उसको अच्छे तरीके से धागे से बांध दें। और बाकी 4 फल जो बचे हैं उसमें आप सब आधे बीज निकाल दें, उसके अंदर बीजों की जगह पे आप लौंग भर दें। लौंग बढ़िया लेने हैं, टोपीदार लौंग, बढ़िया वाले, जितने भी भर जाएं, जितने आप बीज निकालें उतने लौंग डाल दें और इसको भी धागे से बंद कर दें। 50 ग्राम लौंग आप ऐसे ही दतूरे के फलों में भर दें, चाहे आपके 4 लग जाएं, 5 लग जाएं, चाहे 6 लग जाएं, यानी कि 50 ग्राम लौंग आपको दतूरे के फलों के अंदर भर के उसको धागे से अच्छी तरीके से बंद कर देना है। जिसमें शिंगरफ रखी है वो लग, और उसके बाद 50 ग्राम लौंग जो है वो लग। तो अब आपने क्या करना है कि 1.5 किलो दतूरे के पत्तों का रस निकालना है। दतूरे के पत्तों को कूट कर अच्छी तरीके से कपड़े से निचोड़ कर, तो उसका रस आपके पास 1.5 किलो रस होना चाहिए। अब एक लोहे की कढ़ाई लें, उसके अंदर वो रस डाल दें और आपने जो फल तैयार किए हैं दतूरे के, जिसके अंदर आपने शिंगरफ और लौंग भरे हुए हैं, उसको उस रस में छोड़ दें और नीचे धीमी सी आंच चला दें। ये आंच कम से कम आग जो है 3 से 4 से 5 घंटे तक जलनी चाहिए। जब देखें कि पानी आधे से ज़्यादा जल गया है तो उसको ठंडा करके अपने फल अंदर से निकाल लें। शिंगरफ वाले जो फल है उसको भी निकाल लें और दूसरे फलों को भी निकाल लें। जो लौंग है उसको साइड पर रख के सुखा लें, और जो शिंगरफ है वो दोबारा एक नए फल में डालें। फिर उस जो आधा पानी आपके पास बच गया था, जब आपने आधा पानी जो बचाया हुआ था, उस पानी में दोबारा वही दतूरे का फल जिसमें आपने शिंगरफ दोबारा से रखी है, उसको फिर पकाना शुरू करें। जब ये सारा पानी जल जाए तो इसको आप आराम से निकाल लें। इस शिंगरफ को एक छोटी खरल में डालें तो इसको कम से कम 1.5 से 2 घंटा तक खरल करें, और जो आपने लौंग रखे थे उसको धूप में सुखा लें। उस लौंग को भी इस खरल में थोड़े थोड़े आधा आधा चम्मच लौंग डालकर इसको खरल कर लें। चाहे लौंग को पहले आप हवादस्ते में या मिक्सी में पीस लें, उसके बाद इसके अंदर वो लौंग थोड़े थोड़े करके डालना शुरू करें। जब ये सारे लौंग आपके इसके साथ मिक्स हो जाएँ, खरल हो जाएँ, उसके बाद आपने लेना है दालचीनी। ये 30 ग्राम दालचीनी, 30 ग्राम आपने लेना है जायफल, बढ़िया जायफल लेना है, और 10 ग्राम आपने लेना है बढ़िया केसर। ठीक है, इन सब को अच्छे अकरकरा, सॉरी मैं भूल गया था, और 30 ग्राम अकरकरा। इस सब मटेरियल को एक खरल में डालें, अच्छी तरह खरल कर दें। खरल आपने ज़ोरदार हाथों से करनी है, ताकि एकदम ये मैदे की तरह अपना सारा मटेरियल बन जाए। इसमें केसर जो है, ये इसकी ना थोड़ी थोड़ी पसाई होती नहीं है, तो आप केसर को एक आधा घंटा धूप में रख दें,
उसके बाद केसर को अलग खरल करें, फिर इसके अंदर शामिल करें और इसको कम से कम खरल करके इसको आप बिल्कुल बारीक इसका जो चूर्ण है पाउडर है वो तैयार कर लें। आप 500 mg का एक कैप्सूल भर लें, ये सारा जो मटेरियल बना है इसको कैप्सूल में भर लें, 500 mg के कैप्सूल इसके तैयार करें, एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम, एक गिलास बड़ा दूध उसमें 2 चम्मच देसी घी डाल कर लें। बहुत बढ़िया रिजल्ट है। जहाँ जो लोग इसको वक्ती तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो वो इसको शाम को 4 बजे दूध के गिलास के साथ इस्तेमाल करें। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसका, बहुत ही बढ़िया नुस्खा है, इसको बनाकर इस्तेमाल करें और फ़ायदा लें, सर्दी का आनंद लें। ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।